आइए आगे बात करते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म होती है वो तो एक कॉमन उसका कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसका ये टेक्निकल पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी जितनी भी स्टीयरिंग डिज़ाइन होगी, स्टीयरिंग में जो व्हील के मुड़ने की जो प्रक्रिया होगी, उसमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी चारों व्हील हैं उन सबका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हो वो कॉमन हो। तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म हम ऐसा करते क्यों हैं उसका अभी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ यही है कि जो हम लोग टायर की जो स्लिपेज होता है उसको अवॉइड करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू अवॉइड स्केटिंग स्लिपेज स्लिपिंग ऑफ टायर। तो जो टायर की जो स्लिपिंग होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है ना। तो जो इसमें जो जो सामने वाले जो दोनों व्हील्स होते हैं, फ्रंट व्हील मतलब आगे वाले जो दोनों व्हील्स होते हैं, वो इस तरीके से टर्न हो कि दोनों का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हो वो क्या हो, सेम हो, एक ही पॉइंट पर हो। इंस्टेंटेनियस सेंटर, सेंटर जो होगा वो पॉइंट होगा। तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हो उन दोनों व्हील्स का और साथ में रियर व्हील्स का, प्योर रोलिंग की कंडीशन यही होगी और यही सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन में जो है क्या होने चाहिए कि जो चारों व्हील हैं जब व्हीकल मुड़ रही हो, टर्न कर रही हो, तो चारों व्हीकल के चारों व्हील्स के इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। तो ये बात आ गई सीधी सी बात। तो और रियर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रियर व्हील। तो रियर व्हील का जो एक्सिस होगा उस पर इनके सबके इंस्टेंटेनियस सेंटर कॉमन है। करेक्ट स्टीयरिंग की यही कंडीशन है कि ऑल द फोर व्हील्स मस्ट टर्न अबाउट द सेम इंस्टेंटेनियस सेंटर। आप इसको देखिए, तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए ये एक हमने नीचे का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें देखिए ये बैक या रियर व्हील्स हैं, ये फ्रंट व्हील है। देखिए ये मुड़ने की कंडीशन दिखाई गई है, जब व्हीकल सामने की तरफ ये है, फ्रंट इसका इधर, ये फ्रंट इधर से, इधर से फ्रंट है, ये बैक है, ये रियर है। ये तो अब आप देखिए जब मुड़ रही है तो फ्रंट वाला जो व्हील है वो देखिए वो टर्न हुआ, इस तरीके से टर्न हुआ। तो ये किधर किस डायरेक्शन में मुड़ रही है आप लोग जान देख सकते हैं कि ये राइट डायरेक्शन में मुड़ रही है। अगर सीधे ऐसे जा रही होगी तो इधर से राइट डायरेक्शन में मुड़ेगी। तो राइट डायरेक्शन में मुड़ रही है तो उस केस में आप देख रहे हैं कि जो ये अब ये जो है इनर फ्रंट व्हील हो जाएगा और ये वाला जो व्हील होगा ये आउटर फ्रंट व्हील हो जाएगा। तो और ये देखिए बैक में या रियर व्हील में ये है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है व्हील की ये कहलाती है व्हील ट्रैक। उसको हम ए से डिनोट किए हुए, देखिए स्मॉल ए से यहाँ पर डिनोटेड है। तो अब कंडीशन जो होती है प्योर रोलिंग की उसके हिसाब से इनका और इनका, ये दोनों ये जो व्हील्स हैं फ्रंट वाले, इनका इंस्टेंटेनियस सेंटर भी एक ही पॉइंट जो इसके एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट रोलिंग की कंडीशन तभी होगी जब चारों व्हील के इंस्टेंटेनियस सेंटर कॉमन हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ये तो परफेक्ट रोलिंग की कंडीशन आई। अब कुछ इसका हम एक एनालिसिस की एक रिज़ल्ट निकालें। अच्छा यहाँ पर देखिए इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसको हम व्हील बेस बोल रहे हैं। ये व्हील बेस इस व्हील से, इस व्हील की फ्रंट से और रियर व्हील की जो दूरी है वो हम व्हील बेस कह रहे हैं उसको। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ये सी लिखा गया, ठीक है। और अब हम सबका नाम दे दिए, ए बी सी डी ये सब सारे नाम हैं इसके, आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको मिलाते हैं, ये और ये मिलाया, दोनों को मिला दिया हमने, और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ बी से एम तक, तो आई एम ये एक लाइन मिल गई आपको। अगर ये एंगल को हम इस एंगल को फाई मान रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी फाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल और ये उसको काटने वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे।
ऐसे ही अगर इस एंगल को थीटा माना जा रहा है ना, तो क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग होगा, इनर वाले का अलग होगा और आउटर वाले का अलग होगा, तो इस वाले एंगल को अगर थीटा माना जा रहा है इनर व्हील वाले को, तो फिर से वैसे ही ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यहाँ पर ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। हम अब लेते हैं ट्रायंगल IBM। तो IBM ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम कॉट थीटा ले सकते हैं। तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस जो है उसका क्या हो जाएगा, ये BM अपान IM, ये है ना, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। ये टेन थीटा का इन्वर्स होता है, सभी लोगों को पता ही है इसके बारे में। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल भी लेते हैं, देखिए ट्रायंगल IAM हमने, क्योंकि मतलब एक बार क्या हुआ कि इनर व्हील के साथ हमने एक ट्रायंगल ले लिया, जो ट्रायंगल बनाए थे इंस्टेंटेनियस सेंटर को लेते हुए, और दूसरा ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं वो आउटर फ्रंट व्हील के साथ ले रहे हैं, है ना। ये तो ज्योमेट्री तो हमको इसी से डिसाइड करनी पड़ेगी ना, इन दोनों से, क्योंकि परफेक्ट रोलिंग का कंडीशन आएगी तो इन दोनों का तो इंस्टेंटेनियस सेंटर कॉमन होना है, उसी एक्सल जो इसका एक्सल होगा या फिर जो इसका एक्सिस होगा उस पर होगा ही होगा। तो अब यहाँ से जब हम कॉट थीटा लेंगे, कॉट फाई लेंगे, अब हम आउटर फ्रंट व्हील से ये जो एंगल ले रहे हैं ये वाला एंगल, तो ये फाई एंगल ये वाला आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम क्या ले रहे हैं, एंगल IAM। अब ये ट्रायंगल जो है ये वाला ले लिए, तो अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही कॉट फाई, कॉट फाई दोनों केसेस में हमेशा ये ध्यान रखना कि कॉट फाई ही निकाला जाता है। तो AM अपान IM, तो AM अपान IM हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दिया गया हमने कॉट फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, AM अपान IM, कॉट फाई आ गया यहाँ पर। अब AM की वैल्यू जब आप फिगर से देख पा रहे हैं वो क्या है, AM बराबर है AB और प्लस BM, AB प्लस BM हम दोनों को इस तरीके से, तो इसी को AM को हम स्प्लिट करके लिख देते हैं AB प्लस BM और अपान IM, ये यहाँ पर आ गया। अब दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे, AB अपान IM मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं और BM अपान IM, क्योंकि हमको रिजल्ट निकालना है इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा। और जो नोन वैल्यूज़ है वो C की और B की वैल्यूज़ हमको नोन है, ये पता है, इसी को डिज़ाइन में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये देखिए AB अपान IM, अब AB ये है देखिए और IM ये है ना, AB अपान IM, तो AB की जो वैल्यू है वो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं वो वैल्यू C के बराबर है, AB की वैल्यू जो है वो C के बराबर है, और IM जो है वो क्या है, वो B हमने बताया भी था कि ये व्हील बेस होता है, तो व्हील बेस जो होता है ये रियर से फ्रंट व्हील के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, व्हील बेस कहलाती है। तो अब यहाँ पर ये व्हील बेस हमने लिख दिया इसको, तो AB अपान IM जो लिख करके आया वो क्या आ गया, C/B आ गया। इसी तरीके से प्लस BM अपान IM, अब हम करें तो जो BM अपान IM ये जो BM डिस्टेंस है और अपान IM, तो ये हम जो है थीटा के टर्म में ही लिख सकते हैं इसको कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ पर पता है आप इक्वेशन 1 से, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है इसको कि इक्वेशन 1 से हम इसको यहाँ से इसको यहाँ पर लिख पाए। तो हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन करेक्ट स्टीयरिंग के लिए आ गई, करेक्ट स्टीयरिंग की जो फंडामेंटल इक्वेशन आई वो क्या आ गई, वो आ गई कॉट फाई, ये कॉट फाई था, कॉट थीटा को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, बराबर क्या हो गया C/B। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि इसको कहते हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन करेक्ट स्टीयरिंग की। तो इस केस में अगर जब ऐसी कंडीशन होती है और जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, जब कोई भी व्हीकल टर्न हो रही होती है उस केस में, तो वो व्हीकल स्किड नहीं करती, स्लिप नहीं करती, परफेक्ट रोलिंग की कंडीशन होती है। हम यही चाहते भी हैं कि परफेक्ट रोलिंग की कंडीशन हो, गाड़ी स्लिप ना करे। अगर परफेक्ट रोलिंग की कंडीशन होती है तो उस केस में जो टायर्स होते हैं उसमें टीयर वियर की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है, टायर की लाइफ बढ़ जाती है, इजी हो जाती है। अगर मान लीजिए स्किड करेगी गाड़ी तो उस केस में उसका जो कंट्रोल होगा वो लूज़ होगा, तो कंट्रोल भी लूज़ नहीं होना चाहिए,
इजिली वो क्या करे, वो अगर हम मोड़ना चाह रहे हैं तो वो इजिली वो मुड़ जाए। तो बेसिक चीज़ यही है, आप ये जान लीजिए। हम एक बार ज़रा फिर से आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये फ्रंट व्हील है जो मुड़ गया है, तो इस आउटर वाले का जो एंगल हमने माना है इंस्टेंटेनियस सेंटर से, हम उसके जो यहाँ पर ये जो ये थी जो एक्सिस था इसका, जो स्ट्रेट वे में जो एक्सिस था उससे हमने जो है ये एंगल फाई ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस सेंटर से जो इनर वाला जो व्हील था उसका हमने एंगल थीटा ले लिया। फिर हमने दो ट्रायंगल लिए, जो एक ट्रायंगल जो हमने लिया इंस्टेंटेनियस सेंटर को लेते हुए इनर व्हील के साथ, क्योंकि यहाँ पर इससे हमने परपेंडिकुलर डाला क्योंकि हमको इसमें कैलकुलेशन करना था, तो एक ट्रायंगल हमने लिया IBM, तो उस केस में हमने कॉट थीटा निकाल लिया जो BM अपान IM आ गया, और दूसरा ट्रायंगल जो हमने लिया वो IAM लिया, और इस केस में हमने जो निकाला वो AM अपान IM निकाला, और AM की जो वैल्यू थी वो इन दोनों का सम थी, AB प्लस BM लिखा और उन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब जब दोनों को हमने अलग अलग कर लिया तो AB अपान IM प्लस BM अपान IM आ गया यहाँ पर, तो AB की वैल्यू जो थी वो हमने पहले यहाँ पर डिफाइन कर दिया था कि वो क्या है, वो AB की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है CD के। आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये AB बराबर ये CD जो यहाँ पर ये कैपिटल CD लिखा हुआ है, स्मॉल C हम इसको लिख रहे हैं, तो स्मॉल C के बराबर है, और IM की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये व्हील बेस कहलाएगी और ये B के बराबर हो गई। तो और ये जो BM अपान IM आ रहा है, ये BM अपान IM हम इक्वेशन 1 में इसको पहले ही बता चुके हैं वो क्या है, cot थीटा है। तो इस तरीके से हमने जब cot फाई माइनस cot थीटा इज इक्वल टू C/B लिखा तो इस हमको करेक्ट स्टीयरिंग की जो है कंडीशन मिल गई। इसी को फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्लिपिंग नहीं होती, स्किडिंग नहीं होती, और जो पहियों की लाइफ है वो बढ़ जाती है, और जो व्हीकल होती है वो इजीली टर्न कर पाती है, मुड़ पाती है। इसमें दो चीज़ें हैं जो गियर की, इसमें जो स्टीयरिंग गियर में जो है दो तरीके की मैकेनिज्म आती है, जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म तो हमने इसके पहले आपको बताया भी है, पिछले लेक्चर में जाएंगे तो आप डिटेल में उसको पाएंगे कि किस तरीके से उसमें कौन कौन से जॉइंट्स लगे हुए होते हैं और कितने लिंकेजेस होते हैं, किस तरीके से मुड़ती है, वो सारी चीज़ें उन्हीं के माध्यम से हम इसको जब डिज़ाइन करते हैं तब एडजस्ट करते हैं कि हमको ये परफेक्ट रोलिंग कंडीशन मिले, कि ये चीज़ आती रहे परफेक्ट रोलिंग के केस में, है ना, जब टर्न हो बैकल। तो अब आते क्या है कि दो तरीके के मैकेनिज्म होती है, एक डेविस स्टीयरिंग गियर की मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है उसमें, और दूसरी जो दूसरी होती है वो एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म होती है। तो एकरमैन मैकेनिज्म और डेविस मैकेनिज्म में अंतर ये होता है कि इसमें जो होता है स्लाइडिंग पेयर्स यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग पेयर्स, और इस वाली जो एकरमैन मैकेनिज्म है ये सबसे, ये जो है करीब करीब सुपीरियर मानी जाती है इससे, और इसमें जो है हम टर्निंग पेयर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है इक्वेशन यही होल्ड करती है, तो जब भी होगा तो टर्निंग पेयर के साथ ये इक्वेशन होल्ड करेगी एकरमैन मैकेनिज्म के लिए कि cot फाई माइनस cot थीटा इज इक्वल टू C/B। तो इस केस में जो होगा, जब एकरमैन का केस होगा तो जो C/B की जो वैल्यू होगी वो करेक्ट स्टीयरिंग होनी चाहिए, उसके लिए करीब करीब ये देखा गया है कि 0.4 से 0.5 के बीच में ये लाई करनी चाहिए, और जनरली जो करेक्ट स्टीयरिंग होती है वो 0.455 पर होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अब हम एकरमैन और डेविस मैकेनिज्म के बारे में अगर हम पूछें, या दोनों स्टीयरिंग के बारे में अगर कभी कभी हम कभी कोई बात करें तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अंतर बेसिक बस यही होता है कि जो डेविस होती है इसमें स्लाइडिंग पेयर्स यूज़ होते हैं, और जो एकरमैन मैकेनिज्म होती है इसमें टर्निंग पेयर्स यूज़ होते हैं। बस ये चीज़ आप बेसिक ध्यान रखना, और जो एकरमैन मैकेनिज्म है ये इनसे सुपीरियर मानी जाती है टर्निंग पेयर की वजह से, और इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती है पहली चीज़, और दूसरी जो फंडामेंटल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी उसमें C/V की जो वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू देखी गई वो करीब 0.455 के आसपास आती है जब करेक्ट स्टीयरिंग होती है, जब फ्रंट व्हील्स का प्योर रोटेशन होता है। वैसे इन जनरल जो वैल्यू होती है वो C/V की जो वैल्यू है वो 0.4 से 0.5 के बीच में लाई करती है। तो अब हम समझते हैं कि ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको आप एक दो बार
अपने मन से करके भी देखिएगा तो आपको ये और भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट प्योर रोलिंग का होता है, हो सकता है पहले भी आपने इसको पढ़ रखा हो, और नहीं तो हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।